हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार और मैं आपके सामने एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐप के बारे में, जिस एप्लीकेशन में आपको फ्रेंड्स मिलेगा कि आपको किसी भी चीज़ का ट्रांसलेट करके आपको आपका आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, इस ऐप की मदद से आप किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप आसानी से कुछ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम कई जगह ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग में क्या होता है कि हम मान लीजिए जैसे बाहर गए हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स साउथ में गए या कहीं भी गए, जो लैंग्वेज हमको नहीं आती है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमको इंग्लिश ही नहीं आती है और हम उसको कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में कैसे पढ़ें। आपको हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, आपको साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो आप उस किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके अपनी भाषा में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ऐप की मदद से, फ्रेंड्स ये ट्रांसलेटिंग का सबसे बेस्ट ऐप है, गूगल का ऐप है, जो आपको हर चीज़ का आंसर आपको आसानी से दे देगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद फ्रेंड्स आपको हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि मैं इस टाइप की और भी वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। और आगे बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो हो तो आपके पास वो पहुंचती रहे। तो पहुंचाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बेल आइकन बन के आएगा, उसको क्लिक करिएगा। तो उससे क्या होगा कि आप में से सब्सक्राइब हो जाएंगे और मेरे अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, मुझसे जुड़ जाएंगे और मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो क्या करना है, सिंपली फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें बताऊंगा आपको मैं गूगल ट्रांसलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स खोल लेते हैं हम अपना प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर खोलने के बाद हमको इसमें सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। ये देखिए फ्रेंड्स, आप गूगल ट्रांसलेट सर्च करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये सेकंड ऑप्शन आ गया गूगल ट्रांसलेट, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। फ्रेंड्स देखिए ये ऐप मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद देख लीजिएगा इसका लोगो कुछ इस तरीके का गूगल ट्रांसलेट का, और इसको इंस्टॉल करके आप अपने मोबाइल में हमेशा रखिए, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल ऐप है। तो क्या करना है, इसको ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपके सामने गूगल ट्रांसलेट खुल के आ जाता है। तो क्या करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इसका मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है कैमरे का। तो कैमरे में फ्रेंड्स क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सबसे पहले अपने कैमरे पे क्लिक करना है और आपको लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गया, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश टू हिंदी, तो फ्रेंड्स मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप टिक करके अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो फ्रेंड्स मुझे इंग्लिश ही चाहिए तो मैं इंग्लिश ही पे क्लिक कर देता हूँ। और कन्वर्ट में मुझे क्या चाहिए, किस लैंग्वेज में मुझे इस वर्ड को कन्वर्ट करना है, तो फ्रेंड्स मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो मैं हिंदी इसमें सिलेक्ट है मेरे में। आप जो लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना हो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको सिंपली अपना कैमरा खोलना है। कैमरा खोलने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये मेरे वर्ड जो है ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें एक आइस ऑप्शन है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए इंग्लिश में दिखा रहा है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। इसको आप ऑन करेंगे तो आपको देखिए हिंदी में इसको कन्वर्ट करके दिखा देता है। अगर आप चाहें, ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट करके आपको इस वर्ड को दिखा रहा है, और आप चाहें तो इसको इस क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, इसकी एक फ़ोटो पिक कर लेगा। फ़ोटो पिक करने के बाद इसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद इसके वर्ड के मीनिंग सिलेक्ट ऑल ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस पर आप कर सकते हैं। इसमें देखिए दिखा रहा है आपके दोस्तों के साथ मिलकर एकदम बढ़िया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसके कैमरे का यूज कर सकते हैं। और कैमरे के बाद फ्रेंड्स आ जाता है इसमें वॉइस ऑप्शन। वॉइस ऑप्शन में आपको मैं बता देता हूँ, वॉइस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं और इसमें कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे मैं फ्रेंड्स आपको सिंपली सर्च करके बता देता हूँ आप क्या कर सकते हैं, कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी डिफिकल्ट, कितना भी डिफिकल्ट वर्ड हो लेकिन गूगल ट्रांसलेट के पास हर वर्ड का आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसमें सर्च करता हूँ आई मिस यू, तो देखिए फ्रेंड्स ये ऐप आपको बोल के भी बता देता है, आई मिस यू का मतलब होता है मुझे आपकी याद आती है। तो फ्रेंड्स क्या है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। वॉइस में अगर आपको टाइपिंग नहीं करनी है तो आप वॉइस में भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज आप किस कौन सी यूज कर रहे हो, किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें थर्ड ऑप्शन है कि आप टाइप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपको लिखना है अनमोल, तो मैं दिखा देता हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसने लिख दिया अनमोल और नीचे हिंदी में लिख के आ गया अनमोल। तो फ्रेंड्स, आप अपनी इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करके सिंपली अपना इस ऐप को यूज करके आप सिंपली किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये आपकी स्टडी में भी बहुत काम आने वाला ऐप है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें आप ओपनिंग कर सकते हैं और हर चीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक और सिस्टम होता है, फंक्शन होता है, जिसमें आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर लिखा है टाइप टू ट्रांसलेट, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन है, इसको मैंने ऑन करके रखा है। तो इससे क्या होता है कि आप मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई भी अपने कोई भी वर्ड को अगर आप यहाँ से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, कोई भी व्हाट्सएप में ये ले लेते हैं इसको। फ्रेंड्स, मैं अगर मान लीजिए जैसे ये है, इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करते ही ये देखिए गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मुझे हिंदी और इंग्लिश में दोनों वो कर सकता है। इसमें फ्रेंड देखिए इंग्लिश टू हिंदी है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसमें इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे इसका मीनिंग इंग्लिश में ये बता देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट। और गूगल ट्रांसलेट फ्रेंड्स, ट्रांसलेट का बहुत एक नंबर का ऐप है, जिस ऐप की मदद से आप आसानी से किसी भी वर्ड को कैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप टाइप करना चाहते हो तो इसमें टाइपिंग ऑप्शन भी आपको देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आई मिस यू। तो फ्रेंड्स, इसको आप सर्च कर लेते हो तो इसका भी आपको मीनिंग है, दिखा देता है, मुझे आप तुम्हारी याद आती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गूगल ट्रांसलेट को आसानी से अपना यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप आसानी से यूज करिए और आपकी स्टडी में भी बहुत काम आने वाला ये ऐप है। तो क्या करना है आपको, इस ऐप को इंस्टॉल करिए और यूज करिए, आसानी से आपके काम आएगा ये ऐप। इसको मोबाइल में रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो हमेशा अपने मोबाइल में यूज कर रखता हूँ इस ऐप को। तो क्या, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करिए, रेड कलर के नीचे सब्सक्राइब बटन है, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि मैं इस तरीके की और भी वीडियो आपके लिए हमेशा ही लाता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद।